वसीम भाई एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। वो क्या? मैं कह रहा हूँ बारिशें हो रही हैं, बिजली नहीं आ रही, ठीक है, गैस नहीं आ रही, जी जी, सड़कें नहीं बन रही, हाँ, लेकिन फिर भी कराची किंग जीत रही है। बुरी बात है, मैंने बुरी बात है, मैंने आपके बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया, आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए इसी खुशी में एक बार और बजाइए। आप शुरू कर सकते हैं अपना म्यूजिक बजाइए। एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूंगा। एक छोटा सा बच्चा था, वो मेरे सामने से जा रहा था, उसको मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे? उसने कहा कराची किंग जीत के घर जा रहा हूँ। अब आप प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको एक छोटी सी खबर भी देना चाहता हूं कि नाजरीन कराची किंग जीत गया। कामरान अकमल माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, पता है क्यों? क्योंकि कराची किंग जीत गया। बस ठीक, अच्छी बात। आसिफ भाई आप बिल्कुल मेरे अबू की तरह नहीं है, आप मेरे सीनियर है, क्योंकि कराची किंग जीत गया। आप देख रहे हैं कराची किंग जीत गया भाई। वाह 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 वाह, कराची किंग जीत गया, कराची किंग जीत गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पानी पिया? पानी पिया, पानी पीऊंगा, क्योंकि कराची किंग जीत गया भाई। वाह वाह वाह, दूसरा मैच हुआ है, दूसरा मैच हुआ है, लेकिन पता क्या है, पहले मैच में कराची किंग जीत गया भाई। वाह 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 वाह। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, presented by ICI Dulux, powered by Sparks H20 Pro, brought to you by WB by Himani and supported by Myco. पहले मैच के मुताबिक इतनी सारी बात हो गई कि अब मैं क्या रिपीट करूं। अब से कुछ देर पहले जो मैच खत्म हुआ है उसमें लाहौर कलंदर को शिकस्त हो गई है मुल्तान सुल्तान के हाथों, और यूं लाहौर कलंदर जो पिछले दो टूर्नामेंट्स की सबसे कामयाब तरीन टीम, पिछले दोनों टूर्नामेंट्स की फाते हैं, वो इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे नाकाम टीम हो गई है। तीन मैच खेल के तीनों मैच हारे हैं लाहौर कलंदर ने, और मुल्तान सुल्तान ने ये मैच जीत लिया है। सो ये क्या हो रहा है, इस पे हम बात करते हैं। जी भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या मुझे क्रिकेटर से बात करना है? प्लीज यार। अच्छा जी, सो हम जरा इस पे मेहमानों से बात करते हैं, अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करते हैं कि लाहौर कलंदर्स के साथ क्या हो रहा है, मुल्तान सुल्तान क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले हमारी आज की मेहमान के, जिनको आप लोग देखते हैं और आपने बहुत पसंद किया, खासतौर पे इनका जो एक हालिया जो किरदार था, वो सबको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, वी आर रियली ग्रेटफुल कि वो आज एक बार फिर हमारी मेहमान बनी है। आप लोगों की भरपूर तालियों में तूबा का इस्तेमाल कीजिए। तूबा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। आप खुश हैं कराची किंग जीती है? बहुत खुश हूँ मैं, उतना ही खुश हूँ जितना वो। अरे भाई बजा भाई, ये क्या खेल दिया, वाह 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 वाह, ये क्या खेल दिया। आपने इनके जज्बात की अक्कासी की है? मैं हर किसी की अक्कासी करूंगा। अच्छा, आज मेरा दिन है, आज एयर वाई का दिन है, आज कराची किंग्स का दिन है, बजा भाई। खुश हो, अच्छी बात है। इतना खुश ना हो कि लोगों को लगे कि इनको ये शक है कि आइंदा जीतेंगे नहीं, तो सारी खुशियां। अरे वसीम भाई हमें इस बात पे ना डाले, हमें इस बात पे शक नहीं है। हाँ, हमें इस बात पे। अच्छा ओके ओके ठीक है। वैसे पीएसएल में आपकी सपोर्ट किस टीम के साथ है? मैं कराची किंग्स। अरे कराची किंग्स के साथ भाई, वाह 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 वाह। आपको लगता है क्या कि कौन सी टीम इस पीएसएल की सबसे तगड़ी टीम है आपके ख्याल में? आई थिंक मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान, ओके। ये कामरान में आपका भी ये ख्याल है? मुल्तान और क्वेटा इस वक्त देखा जाए तो अच्छी टीम है दोनों, यानी मुल्तान सुल्तान ने इस वक्त इस्लामाबाद भी खेले, इस्लामाबाद भी है, तो बाकी दो तीन रह गई हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगी वो भी आ जाएगी, इनकी जगह ले लेगी। सो मुल्तान सुल्तान ने अब तक तीन मैच खेले हैं, तीनों जीते हैं। क्वेटा ने दो खेले, दोनों जीते हैं, और ऑफकोर्स लाहौर कलंदर ने तीन मैच खेले हैं और तीनों हारे हैं।
सो पहले बासित भाई ये बताएं, ये लाहौर कलंदर के साथ क्या गड़बड़ हो रही है? अगेन आप पिछली दो शिकस्त पे आपने कहा राशिद खान, बट अगेन मैं फिर वही सवाल करूंगा, यानी क्या लाहौर कलंदर वाज ऑल अबाउट राशिद खान की एक खिलाड़ी गया है तो बिल्कुल टीम में बैठ गई है, क्या हुआ है? उसमें आज का मैच जीतना चाहिए था, जितना अच्छा स्कोर कर दिया था इस पिच पे, ये पिच लाहौर वाली पिच नहीं है, और जो मिस्टेक करी मुल्तान ने माशाल्लाह आज जो कैचेस ड्रॉप करे और आप ये देखें तीन ओवर जब रहते थे तो एक फील्डर अंदर आ चुका था, वो पहले ही से लेट थे, ठीक है, अमूमन ये होता ना चार फील्डर दायरे में होते हैं, आज पांच फील्डर थे, सही है, नौ बॉल भी हुई, वाइट बॉल भी हुई, लेकिन उसके बाद लाहौर हार गया। ये वैसे आज हमने सुबह भी ये बात करी थी, लाहौर के हारने का एडवांटेज कराची किंग को होगा, बोलो भाई, वाह भाई वाह भाई वाह भाई, ये कैसे होगा? अब हमारी तरह नहीं, कैसे कैसे? देखिए छह टीम है ना, हाँ, टॉप फोर में टीमों ने, अच्छा कोई अगर एक बहुत ऑब्वियसली आउट हो गई बड़े तो बाकी टीमों को मार देना है इसका, अच्छा ओके ओके लेट्स सी। ये एक छोटा सा मेरा सवाल था, ये मैं उस दिन पढ़ रहा था, ये बिलावल भट्टी एक प्लेयर है, बिलावल भट्टी एक प्लेयर है जी, कौन सी टीम के? मुझे नहीं पता है बिल्कुल, मैं क्रिकेट के, बिलावल भट्टी कौन सी टीम के? आप किसी टीम के नहीं, पहले थे कराची के, कराची किंग्स था भाई जी, क्या कराची के, ये वाला करना था। अब ये बिलावल भुट्टो साहब भी सिंध, हम लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं तो ये हारिस रऊफ की कारकर्दगी पे क्या कहेंगे? आज तीन ओवर्स 25 रन और कोई विकेट नहीं लिया, इससे पहले दो मैचेस में भी। हारिस रऊफ पिछले कुछ 6-8 महीने से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, बड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, लेकिन ये तो मुल्क में महंगाई नहीं है जितने हारिस महंगे हो रहे हैं, आप ज्यादा महंगाई है, लेकिन ये है कि जबरदस्त फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर्स पे हर किसी पे ये बुरा टाइम आता है, मेरे ख्याल से इस वक्त उस पर बुरा टाइम है, एक आधा मैच अगर रेस्ट करवा दे, शायद रेस्ट करे, कुछ सोचे, पुरानी यादें ताज़ा करे, जो बॉलिंग में जो अच्छा, अच्छा किया उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में, उधर नहीं, हाँ वो मैंने कहा वो ग्राउंड के हद तक, अच्छा अच्छा ठीक है। और ये इनकी भी ख्वाहिश ना रह जाए तो बताएं कराची किंग्स, भाई मैं तजिया ले रहा हूँ उसी पे ले रहा हूँ, आज आज इन्हें चेक मिलना है, उसी में हौसला हौसला करें। सो क्या कराची किंग्स में आज पोलार्ड की ही इनिंग्स जो थी वो एक डिफरेंस थी, या एज ए यूनिट भी कराची किंग्स ने अच्छा खेला? आप ये देखें वसीम भाई, पिछले जो पहले वाला मैच हुआ था उसमें दो चेंज हुए, जो हम लोगों ने बात भी करी, कामी ने भी बात करी थी कि हाँ। एक तो विकेट कीपर जो अंडर 19 का बच्चा साथ, उसको वो इंजरी हुई है तो हाँ। वो नहीं निकल हुए, और जिसको खेलना चाहिए था इरफान नियाजी, आज वो खेला, उसने दो या तीन कैच भी पकड़े, सही है, और आपकी बैटिंग स्ट्रांग हो गई, क्योंकि आपने एक बच्चा आमिर खिलाया था फास्ट बॉलर जिसने एक ओवर करा था, सही है, तो वो यूजलेस था ना, तो आपका कम्बिनेशन पहले मैच में सही नहीं था, वो बात नहीं कि 185 रन चेज हो जाते, आज कम्बिनेशन भी अच्छा था, कैचेस भी अच्छे हुए, और पोलार्ड मियां ने जो कमाल ही कर दिया, एक ओवर में 27 रन करे वहां से, बिल्कुल इस पीएसएल का सबसे महंगा ओवर अब तक का इस रनों के लिहाज से, जी 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 पीएसएल ने, हाँ, रन बनाने के एतबार से बाबर ने एज अ बैट्समैन तो कमाल ही कर दिया ना, और बाबर के रिकॉर्ड में मतलब इतने सारे रिकॉर्ड हैं कि मैं क्या बताऊं, बाबर आजम ने आज T20 क्रिकेट में तेज तरीन 10,000 रन करने वाले बल्लेबाज बन गए बाबर आजम, क्या बात है, यानी बाबर आजम ने इसमें क्रिस गेल, विराट कोहली, डेविड वार्नर सबको पीछे छोड़ दिया, और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से शुएब मलिक ने 10,000 रन किए, शुएब भाई तो वैसे पकड़ में नहीं आते पता है आपको, लेकिन ये कि उसके बाद बाबर जो है वो 10,000 रन करने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले और आज की भी इनिंग्स में पेशावर जर्मी की इनिंग्स में 51 बॉल्स पे 72 रन बनाए हैं बाबर आजम ने, और बाकी पूरी टीम ने 58 बॉल्स पे 79 रन बनाए, सो एज अ बैट्समैन तो उन्होंने कमाल कर दिया, एज अ कैप्टन भी क्या वो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं? देखिए पहले तो बाबर को मुबारक, 10,000 रन करने इतनी यंग एज में इतनी जल्दी, बहुत मेगा पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़िया चीज है, बाबर को और पूरी फैमिली को मुबारक, बल्कि मैं सॉरी आपकी बात काट के बता दूं, जो 10,000 रन किए इससे पहले क्रिस गेल ने किए थे तेज तरीन, क्रिस गेल ने ये 10,000 रन बनाने के लिए 285 इनिंग्स का सहारा लिया था 285 इनिंग्स में, बाबर आजम ने यही 10,000 रन 271 इनिंग्स में बनाए, सो ये एक अच्छे मार्जिन से है। हाँ जी, तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी, लेकिन साग कोई पार्टनरशिप नहीं लगा रहा जिसकी वजह से बड़ा स्कोर हो सके, आज भी ऐसे लग रहा था जैसे रोमन पावल और बाबर खेल रहे थे, लग रहा था 180-190 रन हो जाएंगे तो कराची की टीम के लिए मुश्किल हो जाएंगे, सही है, रोमन पावल जहां पे आउट हुआ वहीं पे पेशावर जलमी बैकफुट पे आ गई है, फिर पार्टनरशिप नहीं लग सकी, तो बाबर के साथ खेलना बड़ा जरूरी है, रन करने बड़े जरूरी हैं, लेकिन आज कैप्टनसी है जो
वो डेफिनेटली है, आप कह सकते हैं कि मेन बॉलर्स ने किसी ने पूरे चार ओवर्स नहीं किए, जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जैसे आमिर जमाल है, सलमान अरशाद है, वुड है, उन्होंने प्रेशर भी बना के रखा हुआ था। आपने अंडर 19 से पूरे चार ओवर्स करवा लिए, स्पिनर से पूरे चार ओवर्स करवा लिए, जिसको पोलार्ड बड़ा ज़बरदस्त खेलता है, जैसा मर्जी स्पिनर्स हो उसकी पावर हिटिंग स्पिनर्स के सामने आती है, जो उसको पूरा फ़ायदा उसने उठाया, 27 रन किए, वहीं से मैच उसने ख़त्म कर दिया, फिर जल्दी ख़त्म किया, रन रेट भी बेहतर किया, जो आने वाले मैचेस में काम भी आएगा। और ये जो शोएब मलिक ने सायम को शुरू में आउट कर दिया, क्या वो भी एक ऐसा हुआ कि यूनिट नर्वस हो गया पूरा सामने वाला कि ये क्या हुआ है? नहीं, अपना प्लानिंग चेंज करी ना, क्योंकि लेफ्ट हैंडर था तो मलिक से ओवर कराया, वो पे कर गया। हाँ। जरूरी नहीं हर दफा ऐसा हो जाए, भाई गैम्बल था वो कामयाब हुआ। हाँ। और ऐसे गैम्बल क्रिकेट में जो करता है वही कामयाब होता है। सही है। और उसके बाद फिर आगे शोएब मलिक ने बॉलिंग नहीं कराई, यू थिंक वो सही था कि उनको जिस मेरे हिसाब से गलत था, करानी चाहिए थी 100% करानी चाहिए। अगर राइट हैंडर है तो क्या हुआ, राइट हैंडर आउट नहीं होता। आज विली खेल रहा था तो उनका जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आया गोरा, उसने बॉल करे। सो अब ये बताएं मैचअप जो है ना, ये गलत थ्योरी लाए हुए भाई। बतौर मजमू ये बताएं, अब आगे क्रिकेट वर्ल्ड कप लगा हुआ है 3-4 महीने बाद, आपके ख्याल में पाकिस्तान का एक अच्छा यूनिट तैयार हो रहा है T20 वर्ल्ड कप के लिए या नहीं? अभी मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर कोई आ ही नहीं रहा ना, जो मिडिल ऑर्डर है वो ओपनर बन गया। T20 में टॉप 3 बैट्समैनों को बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। ये जो टॉप 3 बैट्समैन जो परफॉर्मर है ना, अभी जो कर रहे हैं, आप इन्हें लाएं 5वें और 6वें नंबर पे, तो फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। तुबा का बहुत इसरार था क्रिकेट में मैं ही बात करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप माइंड ना करें तो मैं चाह रहा था कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल मैं सुन रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए क्रिकेट के हवाले से बहुत जबरदस्त है तुबा की, लेकिन ये कि हमारे साथ जो है वो दुनिया सहाफत का एक इतना बड़ा नाम, मेरे तो बहुत ही सीनियर और मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। आपका बड़ा पन है कि आप उनको हमेशा बुलाते हैं। हाँ नहीं, उनका बड़ा पन। तो खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सर असना बहुत सारी तालियां बजाते हैं। सर मैं आपकी चाय थोड़ी सी अगर जी प्लीज, मैं सिर्फ WB हिबारी आप पी सकते हैं। सर थैंक यू। दिन भर की अहम तरीन तजवीज सर, मैंने बात सुन ली है आपसे। जी हाँ सर, मैं सवाल कामरान खान सर, आप क्या कर रहे हैं ये कल जो हमारे शो के दौरान ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी खबर थी। जी हाँ पूछिए सर, मैं आप खुद ही मुहैया में सवाल नहीं मुकम्मल करता, आप शुरू हो जाते हैं। तो आपको हालात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? आप तो क्लियर हो गया ना कौन हुकूमत बनाएगा। बहुत अच्छी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जी हाँ, जब अब आपने देखा कि एक जानिब साबिक सदर मौजूद थे, जबकि दूसरी जानिब एक साबिक वजीर आजम मौजूद थे, और तीसरी तरफ थे प्रिंस चार्मिंग। जी हाँ प्रिंस चार्मिंग देख लिया हमने सबने, जैसे वसीम इस शो के प्रिंस चार्मिंग आप है। जी हाँ प्रिंस चार्मिंग सर, वो ठीक। मुझे बताया भी नई हुकूमत बनने जा रही है, ये आपके ख्याल में आपका क्या तजिया, कैसी हुकूमत होगी? बहुत अच्छी हुकूमत होगी। अच्छा। बहुत अच्छा। और मैं कहूँगा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ कराची स्टॉक एक्सचेंज बुलंदी पर जाएगा। बाहर से अंग्रेज यहाँ पर आएंगे, कटी पहाड़ी के ऊपर हमने हॉलीवुड लिखवाना है। जी हाँ, और शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पिएंगे, वो अलग बात है कि पानी पीने के बाद शेर बकरी को खा जाएगा। जी हाँ सही, और इतना तो वो भी दावे नहीं कर। अच्छा मैं, मुझे पिसाई बताएं जी, अभी कॉम्बिनेशन ये होगा, आप मुझसे पूछ रहे थे ना 2 दिनों से कि बताएं अगला वजीर, और कल मैंने आपको शो के दौरान कहा था कि बस अभी कि अगले कुछ मिनट में बताएंगे, तो बताएं अगले कुछ मिनट में। हाँ, अब ये कि आपसे 1.5 महीने बाद मौल होगा कि सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब, आपको बहुत मुबारक हो पहले तो जी। तो अब बता दें सर कि ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा? आपको भी मुबारक हो सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं तो आपको बताना चलूं कि मैंने तो एक ही तकरीर याद की हुई है, जो भी आता है एडिट करके उसका नाम ऐड कर देता हूँ। जी हाँ, तो अब क्या आपका क्या तजिया है इस बारे में, कैसा कॉम्बिनेशन कैसा? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसा ही होगा वसीम। जी हाँ, जैसा कि बाबर आजम और रिजवान का है। जी हाँ, जैसा कॉम्बिनेशन बासित अली और कामरान खान का है, जैसा कॉम्बिनेशन आपका और अकरार का है। जी हाँ भाईजान, ये खान की जगह आप अकमल लग रहे हैं, कामरान अकमल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बासित अली मौजूद थे। अच्छा सर, मुझे आखिरी सवाल बता दें, फिर मैं जरा मेहमान से, आप भी मेहमान, कि ये आप
कोई मशवरा देना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब? मैं उनको यही कहूंगा कि आपस में शीर और शकर होकर ये हुकूमत चलाए, और अगर आपने वो गाना देखा अमिताभ का कि ये दोस्ती आप नहीं छोड़ेंगे, जी हाँ बिल्कुल वैसे ही मोटरसाइकिल पे बैठ के इसी तरह मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाए, क्योंकि आने वाला वक्त हम सबका वक्त है। वो अलग बात है कि इधर पीछे कोने में मेरा मोबाइल चीते चीते बचा है। जी हाँ सुना, कल भी वाकया पेश है आपके साथ, ये बात ठीक है सर? जी हाँ, तो डाक वाक्य कुछ गन पोश लोग आए हैं, सच्चा वाक्य खवातीन हज़रात, उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोल के टांग के ऊपर गन रखी है, और उन्होंने कहा कि आप गोली मार के तुम्हारी टांग उड़ा देंगे, इसकी जगह तुम टायर लगवा लेना। जी हाँ, अब ये तो आपने खुद मैंने कहा टायर तो आप लगवा लेंगे, लेकिन शहर कराची आप महफूज हैं सर, शहर कराची के अंदर रोडे ही नहीं है, बहुत स्लो में है अभी। लेकिन सुना है आपके साथ वाले का मोबाइल छिन गया? मेरे साथ वाले अधोडाक वाक्य एक और मैं बताऊं कि उनका हफ्ते में दूसरा मोबाइल छिना है। मोबाइल छीनने की इंडस्ट्री तेजी से बढ़ती जा रही है। दुआ करें वो हैट्रिक ना मुकम्मल कर लें, कोशिश तो यही है, आज वो कोशिश करेंगे, वैसे कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए इतने मुश्किल हालात में भी हमारे वसीम मदामी कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ। वसीम भाई ने मुझे कहा मेरी ख्वाहिश है कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मैं चाहता हूँ एक छोटा सा फ्लैट अपने नाम पे खरीदूं, ताकि मेरी पूरी फैमिली किराए पे ना रहे, अपने घर में रहे। उसके लिए देखें वसीम भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ होते हैं, कल दिहाड़ी लगा के आए थे शो पे, कल इस शो के बीच में से चले गए ताकि इलेक्शन पे बात कर सके, कैंपेन पे बात करें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें ताकि वसीम भाई अपना घर बना सके। यार मैं ट्रांसमिशन हूँ, बड़ी खबर आ गई थी, बड़ी खबर नहीं आई थी, जहाँ से 30 रुपया ज्यादा आता है आप काम पिछला छोड़ के आगे भाग जाते हो यार। अच्छा मैं माफी चाहता हूँ। नहीं माफ नहीं, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अच्छा थैंक यू, मैं जरा मेहमान से वो पटन बता दे जो अचानक से शिफ्ट होती बंदा चेंज हो जाता है। सर मैं बताऊंगा तुबा हमारे साथ है, जरा कुछ मासूमाना खेल खेल लेते हैं और बढ़ते हैं मासूमाना खेल के मासूमान ओवर की पहली गेंद की तरफ। चले भाई आदि भाई ने कुछ सवाल बनाए जी। अच्छा ठीक है जी, हाँ हमेशा यही बनाते हैं, हमेशा यही बनाते हैं तो क्योंकि मैं दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ नहीं हूँ। अच्छा आपको सवाल बनाने के पैसे मिलते हैं? नहीं, मुझे ये करने के पैसे नहीं मिलते। ये चैनल बंद हो जाए, ये तो नहीं हो सकता वरना आप यहाँ नहीं होते। अरे मैं वसीम भाई के लिए आता हूँ सिर्फ, इतनी मोहब्बत। थैंक यू सो मच यार। हाँ हो जाएगा, बहुत मोहब्बत है। अच्छा तो पहले जो आपके वो लेस को सवाल बनाए उसका जवाब ने हाँ या ना में देना है। अच्छा ठीक है जी, ओके। सो आम इंतखाबात में मैंने भी वोट डाला था जी। अरे डाला था? हाँ जी। ओके, मैंने जिसे वोट डाला वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना? नहीं। यानी नहीं बना वाकई? नहीं। अच्छा नहीं बना, ओके। अक्सर बहू वैसी होती हैं जैसी बेबी बाजी में जवेरिया थी जी। होती हैं। कैसे आप सवाल आ गया? सॉरी। ऐसी होती हैं होती हैं अक्सर ऐसी होती अक्सर नहीं कभी कभी हो जाती नहीं आप सच बोल दिया ठीक है। अच्छा सुपरस्टार बनने के लिए टैलेंट का किरदार कम और ताल्लुकात का ज्यादा किरदार होता है? नहीं। दिल से जो आपके जवाब आए वो देख लिया हमने। आंखों में नजर आया, पॉज में, पॉज में जवाब मिल गया ना आपको। वो तो, और मैं ये सब आपकी फिर ना मार्किंग करेंगे, आपको नंबर्स देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार, तो आपने जो जवाब दिया वो सुनना आ गया आपको, लेकिन वैसे मुंह से क्या जवाब दिया आपने? ऐसा नहीं है। हाँ सही, ठीक हो गया। इंडस्ट्री में पर्चियों की भरमार है? जी हाँ। नहीं। चलो इसका भी असल जवाब सुनना आ गया, ठीक है। अच्छा ये आपने खाली जगह पूर करनी है, फिर ठीक है यार। अब क्या यार मुझे क्या, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं वाकई डैश हूँ, बहुत प्यारी हूँ। अच्छा ठीक है आप, गुड। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के अगले वजीर आजम डैश होंगे। ये इसमें आप लोग मदद करें, ये तो ये मुश्किल है। हम क्या मदद करें, हम जो करेंगे मदद उल्टी हो जाती है फिर। कोई बात नहीं, उल्टी मदद मदद वाला राउंड इसके बाहर आ रहा है। अच्छा इसके बाहर, हाँ। क्या है फिर से बताइए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अगले वजीर आजम डैश होंगे। अभी पता नहीं, शरीफ होंगे आज ये कह सकते ब्रेकिंग देते चले गए अगले वजीरे आजम। जी हाँ आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद है। वो अनाउंस हो गया, वो हो गया, हो गया सर, कल हो गया। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ कि डैश किस्म के लोगों से दूर रहूं। मुनाफिक। अच्छा ओके, तो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए आपको देख रहा। ओके ओके, अगले कुछ सालों में खुद को डैश बनता देख रही हूँ। बहुत अच्छा इंसान। हाँ ठीक है सही है। मेरा पसंदीदा शेर डैश है।
आप बताए इस यहाँ पे आके शेर सुनाना तो मस्त है। पिछली दफा बहुत ही मैंने बुरा शेर सुनाया था, अब कल से याद है मैंने, मुझे एहसास है क्योंकि वो इतना बुरा था, हमें उसी वक्त हो गया था ना, मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम लगा ना, मजे की बात है, सीरियस है, मजे की बात ही हमने वो बुरा शेर देख के ही आपको वापस बुलाया। अच्छा, मतलब अच्छे में नहीं बुलाने वाले, तो कहीं आज आप अच्छा शेर ना सुना दीजिए। खवातीन ये फिर ये फिर ये, फिर आपने फैसला करना है किसका शेर सबसे, आज का शेर थोड़ा सीरियस है, इरशाद, इरशाद सीरियस शेर, इरशाद, इरशाद माहौल, हाँ संजीदा शेर, थोड़ा इको, वाव तश्खीर, थोड़ी सी और ताली, अच्छा अब मैं शुरू करूंगा। हाँ। ऐसा सुनाइएगा, ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप की भी है। हाँ। हाँ। बहुत अच्छा है। हाँ। तश्खीर का नाम क्या बोलेंगे तो ये नहीं मालूम मुझे, याद करके आई, बिल्कुल बासर भाई सही पहुंचे, मैं भूल जाऊंगी, आप लोग नहीं नहीं आप नहीं हाजी भाई जी तश्खीर वसीम भाई, अभी आप सुनना, अभी सुनना आप, आप सुनाए अपना, नहीं नहीं यार प्लीज यार, गेस्ट हैं गेस्ट, नहीं वैसे उन्हें सुनाना चाहिए, नहीं सर प्लीज, नहीं नहीं गेस्ट पहले, गेस्ट बुरा लगता है, थोड़ा मिलता जुलता सुना देना, सही है, आप सबका हो गया, हाँ जी जी हो गया, अभी मैं ठीक है चल रहने दे, नहीं चलो सुना दे, अब आप इतना इंसिस्ट करिए तो सुनाई दे, सुना दे यार, अब सुन, तशखीस बजा है कि मुझे इश्क हुआ है, तशखीस बजा है कि मुझे इश्क हुआ है, नुस्खे में उनसे लिखूं मुलाकात मुसलसल, नुस्खे में लिखूं उनसे मुलाकात मुसलसल, उनसे वाह 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 भैया यार, ये वाकई वो अच्छा, वाह 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 वाह, तशखीस बजा है कि मुझे इश्क हुआ है, नुस्खे में लिखो उनसे मुलाकात मुसलसल, रिपीट करें आदि भाई ये शेर, आप तश्कील में लिखा है किसमें लिखा है, नहीं खराब नहीं करना है, नहीं नहीं तशखीस बजा है कि मुझे इश्क हुआ है, एक एक लाइन करके कर लें, तशकी का बचा है कि मुझे तशखीस बजा है कि मुझे इश्क हुआ है, चश्की वजह है मुझे इश्क हुआ है, मेरे अबू बीमार, मैं नहीं नहीं मेरी जेब में टका नहीं, मैं सेम भाई नहीं, नुस्खे में लिखो उनसे मुलाकात मुसलसल, अब आप लाम से कोई शेर सुनाओ, लाम से हाँ, लोमड़ी का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अबू ने पकड़ा, अम्मी ने पकाया, सब ने खाया, बड़ा मजा आया, अब आप आ से सुनाओ, मैं हार गया सर, आप शेर सुना दें, ये महफिल कहीं मेरे गले ना पड़ जाए, क्या है क्या हो गया यार ये अचानक, अच्छा चलता हूँ बाय बाय, सर शेर कब सुनाएंगे, जी हाँ ये अच्छा हो गया शेर, अच्छा चलता हूँ बाय बाय, हाय हुकु हाय हुकु हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, खवातीन हज़रात आप लोग फैसला करें, आपके जमीन पे बोझ है, उसूली फैसला करना है आप लोगों ने, जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर सुनाया है, तालियां बजा दें, सर ये तो चार लोग आपके साथ हैं, वो भी नहीं बजा रहे, मैंने पैसे दिए हुए हैं, वो भी नहीं बजा रहे, वो भी नहीं बजा रहे, वो भी नहीं बजा, जिनके ख्याल में इन्होंने शेर सुनाया है वो तालियां बजा दें, देख रहे नहीं नहीं मैं और मेरी ऑडियंस एक जैसी है यार, ये अच्छा मैं एक और शेर सुना देता हूं, नहीं शेर हो गया, और जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर सुनाया है, लेकिन शेर नहीं, हाँ मार्किंग मार्क्स दे, इन्होंने रैपिड फायर राउंड कैसा खेला, पांच में से कितने नंबर, पांच में से मेरे ख्याल से पांच, क्योंकि जो आखिर का शेर सुनाया उसने कमाल कर दिया, महफिल लूट, ओ ये तो कर इसलिए नंबर कम कर दिए, इनको तो लूटा भी गया, आज महफिल लूट लिए, कल ये लूटे, पांच में से पांच, जी हां अच्छा सर, अच्छा जी बासित भाई पांच में से कितने, 25 कर लें, पांच में से 6, एक नंबर इसलिए ज्यादा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में एमक्यूम नजर आई है मुझे, मैं डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, शेर हैदर भाई, अच्छा तो शेर खाली वही लोग सुना सकते हैं, वो नजर आई है मुझे, छह नंबर दे दिया भाई आप, पांच पांच, अच्छा मैं एक सवाल है वैसे ब्रेक में, इसमें गौर करें कि मैं नंबर क्यों ले रहा हूँ रोजाना, जब आप लोगों ने पांच में से पांच ही देने सबको, तो मैं बंद कर दें सेगमेंट का, लेकिन एक छोटा सा शेर सुनाऊंगा, एक छोटा सा शेर सुनाएंगे ब्रेक के बाद, बल्कि ब्रेक में सुनाएंगे, हम एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हाँ सुनाए ब्रेक में, जनाब अली आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय आईसीआई ड्यूलिक्स, पावर्ड बाय स्पार्क्स H20 प्रो, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड सपोर्टेड बाय माइको। PSL चल रहा है,
ग्राउंड में और शेरो शायरी का माहौल चल रहा है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ यहाँ नहीं चल रहा, पीएसएल में भी शेरो शायरी का माहौल बहुत चल रहा है। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला था और लाहौर कलंदर हार गया, मुल्तान सुल्तान जीत गया। कुछ शेरो शायरी का जो है वो तबादला हुआ है दोनों टीमों के दरमियान ट्विटर पे, एक्स पे। थोड़ी देर के लिए हमने चला लिया एक्स वीपीएन लगा के और हमने ये देख लिया, दिखाएं क्या, क्या लाहौर कलंदर ने ट्वीट किया था मैच से पहले, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम। वाह वाह, मैच हारा था पहले लाहौर, वाह वाह, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामाते आहो फुगा और भी हैं। ये कहा लाहौर कलंदर्स ने और नीचे लिखा कलंदर्स का काफिला सुल्तानों की खबर लेने के लिए मुल्तान रवाना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, उन्होंने उस पे लिखा। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने मैच के नतीजे के बाद लिखा, जब आप खबर लेने आए और खुद खबर बन जाए, ये मुल्तान सुल्तान ने जवाब दिया। तो इस वक्त ट्विटर पे भी जो है वो जरा शेर और शायरी का माहौल चल रहा है। बाय द वे वोट तो करवा ले आवाम से, किस किन का शेर अच्छा था यार। वैसे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, आज जो है वो मादरी, दुनिया भर में जो मादरी जबानें हैं उनका आलमी दिन है आज, पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ खिराज तहसीन पेश करते हुए सही उर्दू में आज आपको शेर सुना दूं, प्रॉपर, इसमें कोई टांग ना दो, जी प्रॉपर सही वाला, क्योंकि आज मादरी जबानों का आलमी दिन है दुनिया भर में। अल्लाह खैर करे। हाँ जी, अर्ज किया है। और आपकी मादरी जबान फ्रेंच है? जी जी, माय मदर इज अ फ्रेंच फ्राइज। और स्पेनिश में सुनाएंगे शेर? जी जी, नहीं नहीं, उर्दू में ही सुनाऊंगा क्योंकि उर्दू की आज मादरी ज़बान। और ताकि है कि लोगों में अगर ये तासुर है कि भाई इस आदमी को उर्दू आती ही नहीं, तो खत्म हो ना, पता चले कि आप जो कुछ करते हो मजाक के तौर पे करते हैं। जी जी, असल में यू आर अ वेरी एजुकेटेड पर्सन समटाइम्स। इरशाद इरशाद, सर चाय अगर मेरी पता नहीं कहा, कहते हैं कि सर सही वाला, मैं तेरे रुतबे को इश्क फना में खो जाऊं, मैं तेरे रुतबे को इश्क फना में खो जाऊं कि जैसे जमीन की जलखाओं में राज करते क्या था ये, मुझे समझ नहीं आया। उर्दू सीखे यार, हमारे मुल्क की क्या था, समझ नहीं आ रहा। आप समझाओ, आप समझाओ। इसमें कहा था शायर, इसमें कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, सिगरेट पीते हुए उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे इश्क में ऐसे खोया हुआ था जैसे बादलों में परिंदे खो जाते हैं, बारिश हो जाए ताकि मुझे अपना परिंदा दिख जाए। एक और बार सुनाए शेर, ये ज्यादा अच्छा शेर, एक बार और सुना दे, मेहमान कह रही है। खुद भी आती हूँ, खड़ा बंदर नहीं हूँ कि आप लोग जो बोलेंगे मैं कर करके दिखाऊंगा। बस एक बार कॉपी है, बस एक दफा प्लीज, बता दू फिर नहीं हो पाएगा, आखिरी दफा प्लीज, नहीं हो पाएगा, कोशिश थोड़ी थोड़ी सी। मेरी अम्मी कहती थी बेटा, अम्मी कहाँ से आ गई पीछे, अम्मी कहाँ से आ गई, सॉरी वो म्यूजिक बजता रहा तो भाग गया, अम्मी आ गई, सॉरी। आप आगे, आप मादरी, आप शेर नहीं सुना पाओगे, नहीं करा सर। जी हाँ, आप उर्दू आज उर्दू कर चुके सर, ये तो मैंने बता दिया, आप शेर सुना दे। थैंक यू अबे आपको एक शेर सर, आप अगर सिर्फ शेर सुना दे तो मैं शेर आपकी नजर है कि तू है बिलजार एक जहर की पुड़ी। वाह वाह सर, ये मैं चाह रहा था सकील उर्दू में सही वाला शेर सुनाया थे। आगे आ रही है। अच्छा, तू है मेरी जान एक जहर की पुड़ी, चील उड़ी कौवा उड़ा, वाह 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 वाह, ये आप लोगों के लिए आसान की है, आप लोगों के लिए, ताकि आप मैं ना उड़ी, सर ये करे मैं ना उड़ी। सर मादरी जबानों का आलमी दिन है दुनिया में आज, आप क्या कर रहे हैं आया भैया? मैं उससे इश्क करता था। अरे भाई खत्म हो गया, आसान वाला ताकि आप लोगों को समझ आ सके। मैं उससे इश्क करता था लेकिन कमबख्त गुटका खाती थी, मैं उससे इश्क करता था खत्म करे, लेकिन कमबख्त गुटका खाती थी, जब भी माथा चूमता था तो कहती थी आई लव यू टू जैनी। यार क्या है, बहुत खूब, ये शायर ने ना किसी पता नहीं किसके लिए कहा, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं जी, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। थैंक यू सर, मैं पढ़ता हूँ अपने अगले राउंड की तरफ, चलें बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। भाई तुबा साहब जी, जब आदि भाई जो है वो हाँ या ना और डैश वाले सवाल से फारिग हुए, तो उसके बाद उन्होंने दुनिया शायरी में कदम रखा। अच्छा, 700 अशार लिख दिए, वो तो सुन लिए मैंने। आगे बढ़े, उन्होंने कॉमन सेंस से मुतालिक कुछ सवाल लिखे, इन सवाल में फलसफा भी है
अदब भी है, रियासत भी है, नफासत भी है, जेंट्स एंड लेडीज वॉशरूम भी है। अच्छा भाई, माफ कर दे यार, नहीं वो तो अपार्टमेंट दिखा रहे। चलें तो पहला सवाल जो आदमी दिखाए, पहला सवाल क्या है, और ऑडियंस आपने खामोश रहना, बाद में बताना अगर आपको आता जवाब। हाँ भाई दिखाए, वो कौन सा परिंदा है जिसका नाम उल्टा पड़े तो शहर का नाम बनता है? हाँ जी, क्या है ये? इसमें तो भाई सब लोग जवाब दे सकते हैं, ऑडियंस के अलावा। ऑडियंस के अलावा क्या है ये, कौन सा परिंदा है ये? नहीं, वो क्या हिंट क्या है? हिंट है उड़ने वाला। ये क्या बात है, परिंदा है भाई, फिर तो जवाब बन जाएगा। अच्छा, एक परिंदा है जोड़ता है उसके नाम, यानी क्या परिंदे का नाम यूं लिखा हुआ है उसको उल्टा पड़े? जी नहीं नहीं, फिर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ऐसे उल्टा, यानी अगर आपका नाम है आदि जी तो ये उल्टा पड़ा है। बिल्कुल, तो जिस तरह आपने आदि को उल्टा पड़ा तो फुजूल सा नाम बन गया, आवाज ही निकली है, लेकिन इसको उल्टा पड़ेंगे तो शहर का नाम बनेगा। शहर का नाम जी कौन सा है भाई? बुलबुल। जी हाँ, बुलबुल। लबनान। लबनान तो सॉरी बाय बैड। नहीं नहीं सर, चील नहीं, लीच बन जाएगा ये। क्या लीच बात की आपने यार, ये क्या भाई, आप लोग भी तो कोई भाई आज नंबर दे रहे हैं, हेल्प कर दे रही है, जैन लड़ा रहे हैं। हां बस भाई भी, हां सब सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। सो अब यार क्या सोच रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया था ना आप लोगों ने। आप थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नहीं भाई, आप तो शानदार उल्टा बोलते हैं। चील कौवा भी हो सकता है, कौवा को उल्टा करो तो बोलता तो नहीं है। नहीं नहीं, कौवे को उल्टा करो तो क्या, वाक वाक। हाँ, क्या कब्बा बिल्ली हो सकती है? बिल्ली तो परिंदा ही नहीं है ना, बिल्ली परिंदा नहीं है। बिल्ली अगर किसी गलत आकार में उसको चौथी मंजिल से फेंको तो वो परिंदा भी बन जाती है। अच्छा ऑप्शंस तो दें, दो ऑप्शंस तो दें, ऑप्शन में तो बड़ा ऑब्वियस क्लियर हो जाएगा फिर जी। क्या कह रहे हैं, सॉरी, आपके आस पास ही होता है वो परिंदा। क्या है, आपके आस पास ही होता है वो परिंदा? अभी है तो सेट में परिंदा? नहीं नहीं, सेट पे तो अजीब से लोग हैं। अच्छा। परिंदे नहीं, आसपास तो कोई भी परिंदा यार, मैं आपको हिंट नहीं दे सकता, मैं आपको 30 सेकंड दे सकता हूँ बस। मकाओ? नहीं मकाओ नहीं, नहीं मुझे ऐसा लगा इन्होंने ये कहा, सॉरी यार। यार मैं आपको 20 सेकंड दे सकता हूँ भाई, मुझे नहीं आ रहा, आप लोग भी थोड़ा कुछ जवाब दें आज तो। ये लोग बिल्कुल मदद नहीं कर रहे, कल तो ऐसे बोल रहे थे यार, चेक चेक कामरान पे, कल तो आपको बार बार आ रहा था। ये वर्ल्ड कप में भी सवाल आया था, मैं भूल रहा हूँ कौन सा कल के। वर्ल्ड कप में भी सवाल किया था ना, ये पता नहीं किया था, वही भूल रहे हैं। 5 सेकंड दे सकते हैं आप, 5 सेकंड में जवाब दे दे, वरना हमारी तरफ से माजरत है। 5, 4, 3, 2, 1 हाँ बस, अब आपने बहुत देर कर दी। हाँ, किसी ने मदद नहीं की मेरी, याद रखो। वर्ल्ड कप में बताएं बताएं, मोर मोर मीम वाओ रे, मोर उल्टा करें रोम रोम। यार क्या बात है, जबरदस्त। इटली का शहर रोम, आप कभी इटली गई हैं? नहीं, आप बहुत घूम फिर रही होती है मैंने सुना है। जी 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 जी, लेकिन मैं रोम नहीं अभी तक पहुंची। अच्छा, इंशाल्लाह। अभी आपके फ्यूचर प्लान में कहाँ ट्रेवल करना है अभी? अभी एक जगह है, पता चल जाएगा। अच्छा, कोई किसी मशहूर जगह पे जा रही है क्या? नहीं शर्मा रही नहीं नहीं, बस है प्लान, देखिए लोगों को पता ना लग जाएगा। अभी बताना नहीं है ना, तो पहला जवाब गलत होगी। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। दूसरा सवाल दिखाएं, दूसरा जानबूझ के आदि आपने ऐसे सवाल रखे हैं, वो कौन सी चीज है जी? और ये आपने नहीं बताना, जिसे ना छू सकते हैं, ना ही हाथ आती है, बस कानों से पकड़ी जाती है जी। कानों से पकड़ी जाती है, एयरबड, एयरबड, एयरबड्स। अबे यार आप ना जहन बिल्कुल हटा देते, लेकिन सर एयरबड्स को छू तो सकते हैं, छू तो सकते हैं। क्या मतलब वक्त? इस चीज को हम छू नहीं सकते, ये चीज हाथ भी नहीं आती। वक्त? लेकिन कानों से कैसे पकड़ेंगे? तो कानों से कोई चीज कैसे, क्या मैं आप देख लीगा? अच्छा, अभी जब जवाब पता लगेगा ना, हाँ, आप देखिएगा भाई, अब आप लोग कोई तो मदद कर दें। हाँ जी, तो मैं खेले रहने नहीं, ऐसा नहीं जवाब चाहिए। हाँ। नहीं, मेरे दिमाग में तो वक्त आ रहा है, लेकिन वो कानों से नहीं पकड़ सकते। नहीं नहीं, आपका बुरा वक्त चल रहा है। हाँ, इस राउंड में अच्छा वक्त नहीं चल रहा है। पकड़ी जाती है, क्वेश्चन मार्क क्यों दिया हुआ है? कानों में क्वेश्चन मार्क हटा दे भाई, हट गया क्वेश्चन मार्क, गलत लिख दिया। हाँ, कानों से पकड़ी जाती है, तय है ये। लेकिन सर सर हम हंस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। हंस क्यों रहे हैं हम? वो आपके अचानक एक्सप्रेशन देख रहे थे। ठीक है सर, ठीक है। हाँ भाई, यार कोई हिंट क्या? आवाज? क्या आवाज? कैसे कानों से पकड़ी जाती है? जी हाँ, क्या पता आप कोई इस तरह की सवाल लिख रहे हैं। जवाब दे दें भाई, आपने भाई जवाब बता दिया। आवाज 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 लॉक करें। हाँ, सही है सर, आवाज लॉक करें सर, आवाज कर ले लो, आवाज लॉक करें। दिखाएं भाई ये सही जवाब, बिल्कुल सही है, क्या बात है भाई। ओके, इसलिए नहीं बता रहे थे आपको। यार कमाल है, ये आपने कैसे, ये हमारा फैमिली बिजनेस है ना, आवाज़ आवाजें पकड़ते हैं हम लोग। अच्छा, आपकी अपनी आवाज ही बड़ी सुरीली है। पीएसएल का गाना अगर
चल एक 10 सेकंड सुना दे। हाँ सुना है। आवाज की बात चली आई है तो डी मेजर। डी में क्या? डी मेजर वो लगवा रहा था। सुर सुर सुर। अच्छा अच्छा ठीक है। पांडे किले। अरे यार क्या ब्रेक में जाना है। रेडी नहीं था मैं रेडी नहीं था। आखिरी सवाल बताएं, आखिरी सवाल जल्दी 10-30 सेकंड में क्या बता सकते हैं कि वो कौन सा काम है जिसको करने के बाद हर कोई पछताता है? जी इसकी हिट ये है कि मैं अभी इसी मरहले से गुजरा हूँ, मैंने ये काम किया है अभी। जी क्या? अभी 10 सेकंड पहले मैंने ये काम किया। आदमी कर रहा है और भी कह रहा है अबे ये क्या कर दिया। हाँ पछता रहा है क्या कर दिया। आज इन ये दोनों नहीं है शो ये पे। दोनों आदमी आज शो में नहीं है ना ये लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना बुरा राउंड खेलने के बाद में इनसे पूछूंगा ना नंबर दें तो आपको 5 में से 500 नंबर ये फिर भी देंगे। कौन सा काम है? बेइज्जती। बेइज्जती बेइज्जती करने के बाद? नहीं 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 मैं बड़े बड़े लोग खुश होते हैं बेइज्जती करने के बाद। ये देखिए सामने बैठे हुए कौन सा काम है जो करने के बाद हर कोई पछताता है? 5 सेकंड दे सकता हूँ मैं आपको और आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बेइज्जती। क्या सही जवाब है बेइज्जती? नहीं। ऑडियंस इतना पता है कि आपका जवाब गलत है। हालांकि सही नहीं पता कोई बात नहीं लेकिन ये पता है आपका कंफर्म गलत है। दिखाओ भाई दिखाओ क्या है भाई गलत करके आपसे पछताता है जिस तरह मैं पछताया आपको। मिलता जुलता है ना बेइज्जती की गलती। तो तीनों में से तीनों जवाब वाचल गलत हो गए। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का दोबारा हाजिर होते हैं। देख रहे हैं हरनामा पुरजोश। इससे पहले कि हम जरा और कोई बात करें पहले प्रेडिक्शन ले लेते हैं क्योंकि कल जो है पीएसएल में मैच है क्वेटा और इस्लामाबाद का। अब तक इन दोनों टीमों ने वैसे 17 मैच खेले हैं और नतीजा तकरीबन बराबर ही रहा है। 9 मैच इस्लामाबाद ने जीते हैं, 8 क्वेटा ने जीते हैं। एक आध मैच का ही फर्क है। अब देखते हैं कल क्या होता है इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा में। बासित क्या लगता है? क्वेटा। क्वेटा ओके जनाब। इस्लामाबाद। अच्छा दोनों पैनलिस्ट में राय का फर्क सामने आ गया। आपको क्या लगता है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ओके। हाँ जी क्वेटा। क्वेटा अच्छा जी सर। इस्लामाबाद किंग्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड है सर। यूनाइटेड इस्लामाबाद। हाँ, जी ठीक सर बस वक्त खत्म हो गया। जरा मैं जल्दी से एक का सवाल पूछ लूं आप थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा जरा। तुम ठीक है आपकी बड़ी दस्तरस इस तरह के सवाल पे तो बढ़ते हैं अपने अगले आखिरी राउंड की तरफ। दिखाएं भाई ये है कंपैरिजन यानी कि मवाजना यानी कि कंपैरेटिव एनालिसिस यानी कि तकाबुली जायजा। क्या है? जी जी काबुली बुलाओ। तकाबुली जायजा। तकाबुली जायजा। हाँ पाकिस्तान का पहला सदर कौन था इनमें से भाई? इनको पता होगा। अयूब खान। सिकंदर या इस्कंदर मिर्जा। बासित भाई के जवाब को लॉक कर दे भाई। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भाई की राय कैसे आप उनके सामने मैं कैसे बोलूं? जी उस दौर में मैं पैदा नहीं हुआ था और अभी मैंने न्यूज पढ़ना शुरू नहीं की थी तो मुझे तो याद नहीं है। अच्छा मैं माजरत चाहूंगा आप बसी मुझसे लड़ाई बात करो। डंडे काके नहीं हो आप। क्या कहे मैंने? डंडे काके। अच्छा आप बैठे बैठे। अच्छा जी बात इस्कंदर मिर्जा जवाब लॉक कर दिया। दिखाएं भाई कौन है पाकिस्तान का इन दोनों में से पहला सदर। ये बने 1956 में ये 58 में यानी कि इस्कंदर मिर्जा। बासित भाई बासित भाई को ये ना समझे कि सिर्फ क्रिकेट के बारे में पता है। जी जी ये बता दो। असल में बासित भाई के क्लास फेलो भी थे। कौन? साथ पढ़े में। अच्छा मेरे वालिद साहब के क्लास फेलो। देखा आखिरी सवाल है आजकल 1 लीटर पेट्रोल ज्यादा महंगा है या 1 लीटर डीजल? ये तो आपको खुद बताना चाहिए। डीजल ही होगा। डीजल ज्यादा महंगा है? डीजल नहीं है। डीजल आप खुद तो सीएनजी पे चलता है। मैं पेट्रोल डलवाती हूँ इसलिए मुझे पेट्रोल का पता है। वो बहुत महंगा हुआ हुआ है। कितने वैसे क्या चल रहा है? ये मुझे नहीं पता कि कितना रेट है लेकिन मुझे पता है बहुत महंगा है। जब बड़े लोगों की बड़ी बात है पता ही नहीं कितने का। डालो यार डालो डालो जाकर डालो यार मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। डालो पेट्रोल। और क्रेडिट कार्ड भी यू देते हैं ऐसे। ये मैं वाकई बस कार्ड में कहती हूँ यार आप इसको। मुझे इस तरह पता चलता है कि पहले इतने का आ रहा था अब टंकी इतने में फुल हो रही है। हाँ, लीटर आपकी टंकी कितने में फुल हो रही है? आपके गाड़ी की टंकी कितने में फुल हो रही है आजकल? 7,500 में। 7,500 कौन सी गाड़ी? छोटी गाड़ी पहले 5,000 में हो जाती थी। 5,000 से शुरू हुई थी जब मैंने ली थी और अब 7 Honda 70 ठीक है। चलो सर चलो तुबा थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां बजा दें भाई तुबा के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे कि पेट। लेकिन जवाब आपका सही है डीजल ज्यादा महंगा है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो। जिंदगी रही सेहत रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।